बल्कि जमीन कुड़क, इसलिए किसानों की जमीन कुड़क नहीं हो, ये वादा लेकर हम वहां से हटेंगे। अपन को शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, तिरंगा सीधा रहना चाहिए, तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए, और तिरंगा यात्रा के साथ हम आगे आगे, आप पीछे पीछे, शांतिपूर्ण तरीके से जय बोल बबलाज माता की। अरे स्वागत रहेगा, स्वागत 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 के लिए मैं चाहूंगा पचवारा के पटेलों के द्वारा माँ बबलाज माता चित्र और एक बड़ी माला के साथ में आए हुए अतिथियों का, राठौर साहब का, चतुर्वेदी और इन तमाम गणमान्य महानुभावों का बड़ी माला के साथ में 51 किलो की इस माला के साथ भव्य स्वागत। साथी राजपुरा और आसपास के क्षेत्र से युवा साथी जो धुंधी भाई टीम के सदस्य हैं, एक बार पुनः धुंधी राम जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत और उनकी टीम को बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने कम समय में बहुत बड़ा ये जो इतिहास रचा है, ये पंडाल रचा है, सभी का इस्तकबाल करते हैं। एक बार पुनः राजपुरा और आसपास क्षेत्र की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके ये विशाल रैली कराई है, उन सभी कार्यकर्ताओं को, राजपुरा के भाइयों को जिन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक आयोजन कराया, हमारे धुंधी भाई महेंद्र जी और सारी टीम जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया, बहुत परिश्रम किया, उनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। और मैं एक दिन भी आपके बीच में नहीं आया, फिर भी आप हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पर लाखों की तादाद में हाई कोर्ट में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहीं मेरे को घुसने नहीं दिया तो मैं वही धरना दे दूंगा। धरना देने का अगर मामला बना तो आप 25 मिलने जरूर आ जाया करना। राम राम सर। अब हम व्यवस्थित रूप से और पूरे अनुशासन का परिचय देते हुए डॉक्टर साहब के साथ चलेंगे, जहां तक ये चलेंगे, जिस दिशा में ये दिशा निर्देश देंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
जवान और पुलिस कितनी थी, मीडिया वाले बैठे 1200 पुलिस सबके हाथ में बंदूक, पुलिस वाटर कैनन, अग्नि वर्षा और ड्रोन सब रखे रह गए और हम 3 बजे चढ़े। चढ़ाई करी न सांप की चिंता करी, न घोरना की करी, न पैंथर की करी, न कांटे की करी, न कंकर की करी। जय जय शिव शंकर बोल के आमागढ़ पे झंडा फहरा दिया। तो मौत तो गहलोत साहब की पुलिस रखी रह गई। आज फिर चुनौती दे रहा हूँ, गहलोत साहब सुन लो, आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पर है, पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं, आपने यहाँ भी बहुत लोग छोड़ रखे होंगे, ये मेरी फौज सबको तो नहीं ले जाऊँगा, देखो सबको नहीं चलना है, ना 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 ना, मैंने उनसे वादा किया है कि 10,000 चलना है। आरसीबी का पानी मोदी जी नहीं देना चाहते और गहलोत साहब ने करके टोंक के कुमारिया गलुआ में पानी डाला जाएगा, गलुआ से पानी बीसलपुर में जाएगा, बीसलपुर से ईसरदा में आएगा, ईसरदा से कानोता में जाएगा, कानोता से रामगढ़ बंद में जाएगा और रामगढ़ बंद से दूधू के छापराड़ी में जाएगा। बस इन बातों में जाएगा, फिर वो पानी सूरवाल बांध से सवाई माधोपुर में डूंगरी गांव है वहां एक बांध बनेगा, उस बांध में जाएगा, उस बांध से पानी काली से कपोटरा में उसमें जाएगा, वहां से पांचना में पहुंचेगा, पांचना से हिंडौन के जगर में जाएगा और हिंडौन से बंद बाराठा जो बयाना में वहां जाएगा और बयाना से धौलपुर के पार्वती सागर, उर्मिला सारा सागर, तालाब साई इन बातों में जाएगा और सुरुआत से ही पानी चलेगा। नाटो थी में खुड़ा चैनपुर एक गाँव है, वहाँ एक छोटा सा बांध बनेगा और वहाँ से पानी सीधा टोटा भीम की वाल बालाजी के पास कूदता हुआ रेणी राजगढ़ को बालाखेड़ा को पार करता हुआ अलवर के जैसलमेर में जाएगा। अब ये जो मैंने नक्शा बताया है, इन रास्ते में पड़ने वाला कोई इलाके के किसी बांध में पानी नहीं जा रहा है, ये है गहलोत साहब की ईआरसीपी की योजना। दौसा में केवल मोरेल में पानी जाएगा, केवल मोरेल में, दौसा में 13 बांध है हमारे, सुपुरा है, बिनोरी है, सिंगटोली है, अपना सेथल का बांध है, रेडिया का बांध है, चांदराना का बांध है, एक बांध में भी एक बूंद भी पानी गहलोत साहब की ईआरसीपी का नहीं डाला जा रहा है। तो बताओ ये हमारे साथ बेईमानी है कि नहीं? और जहां मैं भाषण दे रहा हूं, ये छिलपिली नदी जिसका छोटा सैनिक का टप्पर ने वहां बनाया है आगे, उसमें भी ईआरसीपी का पानी नहीं आ रहा, इसलिए हमारे जिले में एक बांध में, अलवर जिले में एक बांध में, भरतपुर में मात्र एक बांध में, तो सैकड़ों बांध रह गए। गहलोत साहब सुन लो, आपकी सीआईडी रिपोर्ट दे देगी, जितने भी बांध इन जिलों में 13 में, हर एक बांध को ईआरसीपी की योजना से जोड़ के केंद्र को भिजवा, वरना सड़क पर जंग होगी। क्या तमाशा है,
पीआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। राजेंद्र राठौर साहब हमारे नेता हैं प्रतिपक्ष के, केंद्र क्या चाहता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, आप पढ़े लिखे हो। देश में जितनी भी राष्ट्रीय परियोजना आज तक घोषित हुई है, जितनी भी देश आजाद हुआ है तब से अब तक, वो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर सैंक्शन हुई है। और गहलोत साहब ने प्रोजेक्ट भेजा है 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी का। दिल्ली कहता है, मोदी जी कहते हैं, केंद्रीय जल आयोग कहता है कि गहलोत साहब 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का, पानी निर्भरता का प्रोजेक्ट बनाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति पत्र भेज दो, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की जिम्मेदारी हमारे पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की है, इस बात की गारंटी मैं यहां से देता हूं। लेकिन गहलोत साहब नहीं भेजना चाहते। गहलोत साहब आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको बहकाना चाहते हैं, वोट की फसल काटना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं, दिल्ली करेगा तो ठीक है वरना मैं पूरा करूंगा। अगर हर गहलोत भी पैदा हो जाए ना, तो उनकी सोच के अनुसार ईआरसीपी की योजना पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए 37,000 करोड़ की जरूरत है। गहलोत साहब ने ऊंट के मुंह में जीरा डाला है, 10,000 करोड़ रुपए दिया है, उससे ईआरसीपी की योजना पूरी नहीं होने वाली। इस मैत्री सभा में गहलोत साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और क्या लिखा था कि हमको सहमति दो। वो पत्र मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश के उनके साथी मित्र कमलनाथ ने उनके पत्र का जवाब दिया कि जब तक 75% पानी की योजना नहीं बनाओगे तब तक मध्य प्रदेश सहमति नहीं देगा, उनके मुख्यमंत्री ने लिखा है। अब गलती किसकी है? गहलोत साहब की। वो गलती को सुधरवाने के लिए चलना है ना, कहाँ चलना है? जयपुर चलना है। और उनको क्या कहना है, 75% का प्रोजेक्ट बनाओ। 75% का मतलब और समझा देता हूं कि बरसात में जो पानी आता है सरप्लस, 75 का मतलब 4 बार जो बरसात का पानी आए वो कम से कम 3 बार तो मिले। जहां मैं भाषण दे रहा हूं उस हाई कोर्ट में 3 बार तो पानी मिले। लेकिन गहलोत साहब 2 बार का प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, 2 बार का। हम 75 का नहीं भेजना चाहते, इसलिए नहीं भेजना चाहते कि बहका के, गुमराह करके, मोदी के नाम पर गाली देकर मैं वोट ले लूंगा। वोट की फसल इतनी आसानी से गहलोत साहब आप काट नहीं सकते। अभी राजस्थान की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। ये 13 अजमेर के लोग नहीं है यहाँ पर राठौर साहब, 12 जिलों के लोग यहाँ पर कमर कस के आए हैं, और इनका नारा है जल क्रांति करनी है, चप्पे चप्पे पर चंबल का पानी लाना है। आज के दिन महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति का नारा दिया था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम गहलोत साहब को कहना चाहते हैं, गहलोत साहब हमारे इलाके में चंबल का पानी छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ते हो तो 2023 में आप गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये यहाँ की जनता ने तय कर लिया, जनता ने तय कर लिया है। कितना बड़ा क्रूर मजाक, कैसा गुमराह करते हैं कि अगर दिल्ली ने पैसा नहीं दिया तो सारी योजना मैं पूरी कर दूंगा। अरे मेरे यहाँ इस हाईकोर्ट में सड़क बनानी थी, मेरी सारी चप्पल रगड़ दी मैंने सरकार के पीछे, उन्होंने पैसा नहीं दिया 14 करोड़। नितिन गडकरी जी से लेके आया हूँ अंदर की सड़क बनाने के लिए, दिल्ली से पैसा लेके आया हूँ, और ये जो टूट गई थी अरंगल नांगल की सड़क उसके 6 करोड़,
रुपए गडकरी जी से लाके मैंने सड़क बनाई है। गहलोत साहब के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, ये मैं कह रहा हूं। ये राठौर साहब ज्यादा बता सकते हैं, गहलोत साहब के पास खजाना खाली है, पैसा नहीं है। खजाना कहाँ है? खजाना मोदी के पास भरा पड़ा है। इसलिए मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि अब अगर सच्चे ईमानदारी से आप इन 13 जिलों के लोगों को भला करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, तो मैंने सलाह कर लिए राठौड़ साहब से, आप अपने सारे एमएलए को ले चलो, हम सारे एमएलए चलेंगे, हमारे सारे एमपी चलेंगे। गहलोत साहब आप हमारे साथ चल के मोदी जी से बात करो, और मोदी जी मना करे तो हम इस जनता के बीच में कहना चाहते हैं जो गहलोत कहे वो करो, लेकिन गहलोत साहब मोदी के पास जाके बात नहीं करना चाहते, वो केवल गुमराह करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। हमारे लोग और हम और डॉक्टर किरोड़ीलाल अब की बार गहलोत साहब को यहाँ गुमराह करके वोट की फसल नहीं काटने देगा, ये प्रतिज्ञा आज हाई कोर्ट से अपन को करके चलनी है। अब ये दूसरे मामले हमारे भाइयों ने उठाए, समझ में आ गया ना, पानी कैसे कैसे जाएगा? पानी जाएगा सूरवाल से, खुदा चैनपुर सीता जैसमंद, सवाई माधोपुर से लेके जैसमंद अलवर में, बीच में किसी बांध में भी पानी नहीं डाला जा रहा। एक दिन में वहां टोडा भीम गया था तो लोग कह रहे थे सर नहर पे इंजन लगा देंगे, मन की नहर खुली नहीं है, बड़े बड़े पाइप डलेंगे, आप पानी ले ही नहीं सकते। एक दिन गया था मैं लालसोट में, दौलतपुरा में, तो कह रहे थे ईआरसीपी का पानी लाओ, मन की यहाँ के नहर जा रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा, आपका गांव ही नहीं जोड़ा, आपका बांध ही नहीं जोड़ा। तो एक दिन मेरे मामा का बयान पढ़ा था मैंने, मेरे मामा को तो जानते हो ना, परसादी लाल, उन्होंने कहा था योजना बनी थी जब पूर्व सांसद एमएलए हम थे, वो मूर्ख थे, उन्होंने बांध नहीं जुड़वाए। मैं मेरे मामा से कहना चाहता हूँ, मामा आप गहलोत साहब से मिलके दौसा जिले के सारे बांधों को जुड़वा दो, मैं हजारों लोग लेके आके आपको फूलों की माला पहना के आपका स्वागत करूंगा, आप जुड़वा दो। हम तो बेवकूफ थे, हम तो जानते नहीं थे, हम तो समझते नहीं थे, आप समझते हो तो अब जुड़वा दो। तो इस इलाके में जाओ के पानी की पाइपलाइन जाएगी, पूरा इलाका एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा, और हमको पानी चाहिए। अब एक चीज आती है कि चंबल में इतना पानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आप ध्यान से सुनना, जो अभी उन्होंने कार्यकर्ता बुलाए थे जयपुर में, कहा था धौलपुर पे केंद्रीय जल आयोग का गेज लगा हुआ है जिसमें 19,000 एमसीएफ सरप्लस वाटर बहके चला जाता है। मुख्यमंत्री जी अगर उतना पानी बहकर बेकार जा रहा है तो आपको 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट बनाने में क्या दिक्कत है? उसके लिए तो हमको 3540 एमसीएफ पानी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की जरूरत नहीं। फिर भी आपको कम लगता है तो एक फार्मूला क्या है, यहां दिल्ली में पढ़ने वाले लोग होंगे, बच्चे कुछ नौकरी करने वाले होंगे, हरियाणा में जब ज्यादा बरसात होती है तो यमुना में पानी आ जाता है ज्यादा, तो वहां एक हथनी कुंड है, उस हथनी कुंड को खोल देते हैं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, दिल्ली चिल्लाता बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई। और आप दिल्ली जाते हो, वहां धारूहेड़ा में एक बांध है, धारूहेड़ा तक यमुना की नहर आ रही है। गहलोत साहब आप सुनो, आप हरियाणा की सरकार से एक समझौता करो, धारूहेड़ा के उस बांध से लेकर राजस्थान के सीमा की दूरी मात्र 15-20 किलोमीटर है, बरसात में बाढ़ में आने वाले पानी को आप
नहर के द्वारा रामगढ़ बंद में ले आओ, रामगढ़ बंद जमुआ रामगढ़ बंद जो अपना है उसमें उस अतिरिक्त पानी को डाल दो और उस पानी को खोल दो, जगह जगह एनीकट बना दो और बाण गंगा में जगह जगह एनीकट बनाकर भरतपुर तक भेज दो। और आप ये जानते हैं एक वहां से डून नदी निकलती है, जो डून नदी मोरेल में मिलती है, मोरेल बनास में मिलती है और बनास चंबल में मिलती है, अगर रामगढ़ के उस बंद पानी को डून नदी के द्वारा छोड़ दिया जाए तो आपकी मोरेल, आपकी बनास, आपकी चंबल लबालब हो जाएगी और ये पूरा इलाका सरसब्ज हो जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अगर आपने नहीं किया तो यमुना के इस पानी के लिए हम आंदोलन करेंगे। और आप जानते हो जब यमुना का पानी उधर से आएगा तो रास्ते में रूपा रेल नदी पड़ती है, उस रूपा रेल नदी का पानी डाल उसमें डालकर आप अलवर को दे सकते हैं, भरतपुर को दे सकते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, गुमराह करने की है, इच्छा शक्ति नहीं है, वोट बटोरने के लिए है, राजनीति करने के लिए है, लेकिन राजनीति अब चलेगी नहीं। अब राठौर साहब चलेंगे, अरुण जी चलेंगे और मैं चलूंगा और पीछे पीछे आप 10% लोग चलोगे। लाठी पड़ेगी तो कितने भागेंगे, गोली चलेगी तो कितने भागेंगे, गिरफ्तार किया तो कितने छुपेंगे है? अब सुन लो, रीट के पेपर का कबाड़ा हुआ था ना, रीट का पेपर लीक कर दिया हुआ था ना, सिपाही का हुआ था ना, सब इंस्पेक्टर का हुआ था ना, जेईएन का हुआ था ना, मैंने आंदोलन किया था ना, जो बड़े मगरमच्छ थे रीट में उनको गहलोत साहब ने छोड़ दिया। उन मगरमच्छों को पकड़ाने की भी मांग है, रखे ना, मछली नहीं मगरमच्छों को पकड़ो, ये मांग है। दूसरा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है ना, भ्रष्टाचार ज्यादा है ना, तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक मांग ये है। और आपको पता है कि पक्षपात बहुत हो रहा है, दमन बहुत, एमएलए अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन के लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे मुक्ति चाहिए ना, तो ये मांग हम जोड़ रहे हैं। एक ये जो मंदिर माफी की जमीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं, जिस पुजारी को लेकर मैं बैठा था, जिसका डेड बॉडी लेके गया था, उसमें कानून बनाने की मांग थी, उसमें कानून अभी तक नहीं बना, वो कानून हमको बनाना है, ये मांग। और बाकी की कुछ छोटी मोटी मांगे हैं उनको लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भय मुक्त शासन, दमन मुक्त शासन और बेरोजगारों को, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को मिल रहा है क्या, तो बेरोजगारी भत्ता की मांग रखेंगे। किसानों को कर्जा माफ करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी ना, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि जमीन कुड़क हो रही है, इसलिए किसानों की जमीन कुड़क नहीं हो, ये वादा लेकर हम वहां से हटेंगे। अपन को शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, तिरंगा सीधा रहना चाहिए, तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए, और तिरंगा यात्रा के साथ हम आगे आगे, आप पीछे पीछे, शांतिपूर्ण तरीके से जय बोल पपलाज माता की। अरे स्वागत रह गया, स्वागत 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 के लिए मैं चाहूंगा पछवाड़ा के पटेलों के द्वारा माँ पपलाज माता का चित्र और एक बड़ी माला के साथ में आए हुए अतिथियों का, राठौर साहब का, चतुर्वेदी का और उन तमाम गणमान्य महानुभावों का बड़ी माला के साथ में 51 किलो की इस माला के साथ भव्य स्वागत।
राजपुरा और आसपास के क्षेत्र से युवा साथी जो धुंधी भाई टीम के सदस्य हैं, एक बार पुनः धुंधी राम जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कम समय में बहुत बड़ा ये जो इतिहास रचा है, ये पंडाल रचा है, सभी का इस्तकबाल करते हैं। एक बार पुनः राजपुरा और आसपास क्षेत्र की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके ये विशाल रैली कराई है, उन सभी कार्यकर्ताओं को, राजपुरा के भाइयों को जिन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक आयोजन कराया, हमारे धुंधी भाई महेंद्र जी और सारी टीम जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया, बहुत परिश्रम किया, उनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। और मैं एक दिन भी आपके बीच में नहीं आया, फिर भी आप हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पर लाखों की तादाद में हाई कोर्ट में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहीं मेरे को घुसने नहीं दिया तो मैं वहीं धरना दे दूंगा। धरना देने का अगर मामला बना तो आप 10-20-25 मिलने जरूर आ जाया करना। राम राम साहब। अब हम व्यवस्थित रूप से और पूरे अनुशासन का परिचय देते हुए डॉक्टर साहब के साथ चलेंगे, जहां तक ये चलेंगे जिस दिशा में ये दिशा निर्देश देंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।